हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको क्लास इलेवन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका थ्रेटिकल पोर्शन कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मैं अकाउंटिंग क्लास प्लस वन का सारा सिलेबस और बाकी सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस इस सेशन में आपको पूरा जरूर कराऊंगा विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक है स्टूडेंट्स तो ये जो पोर्शन है अकाउंटिंग इक्वेशन इसके यहाँ से आपका अकाउंटिंग का पोर्शन मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट होता है तो इसको आप थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करिए हालांकि इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो मैं पिछली वीडियोस में आपको अपलोड कर चुका हूं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस बुक से है क्योंकि ट्रांजैक्शन साथ में लिखी हुई है आप उसको देख के अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो अपने काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि सर इस चैप्टर में से थ्रेटिकल पोर्शन पेपर में या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ये तो है ही है बट इसके साथ साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन की स्टार्ट होती है तो इसलिए इसके थेरेटिकल पोर्शन को अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है ओके जी तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मैथेमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस मतलब एज वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम जैसे कि हम आपको पता है कि हम अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ डबल आस्पेक्ट मतलब हर एक ट्रांजेक्शन का डबल आस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाता है सो अकाउंटिंग इक्वेशन विल रिकॉर्ड द डबल आस्पेक्ट आल्सो, इसलिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी डबल आस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं और जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनती है वो बनती है एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल एंड इट इज ऑल्सो द एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस और ये अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट यही कहलाता है ठीक है जी वे ऑल द एसेट्स मस्ट बी टैलिड विद लाइबिलिटीज और कैपिटल जहाँ पे एसेट्स का टोटल लाइबिलिटीज और कैपिटल के टोटल के बराबर आना चाहिए ठीक है जी सो so, एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं ये आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज में क्या आते हैं लोन्स एंड क्रेडिटर्स कैपिटल की मतलब मनी इन्वेस्टेड सो जो कैपिटल मनी होती है वो इन्वेस्ट कौन करता है वो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है ठीक है और दूसरा पैसा कहाँ से आता है फर्म में क्रेडिटर्स से लोन से फ्रॉम आउटसाइडर जो कैपिटल है वो इंटरनल लाइबिलिटी कहलाती है और लाइबिल जो लाइबिलिटीज है वो आउटसाइड लाइबिलिटीज होती हैं इन दोनों से जो पैसा आता है उसी से ही एसेट्स बनती हैं टू अर्न प्रॉफिट वो एसेट फिक्स्ड एसेट भी हो सकती हैं या करंट एसेट भी हो सकती हैं अंडरस्टूड जहाँ मालिक पैसा लाएगा और दूसरा लोन या क्रेडिटर से हमें उधार मिलेगा जो पैसा मिलेगा उससे हम अपना बिजनेस के एसेट्स क्रिएट करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए ओके जी उसके बाद है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच उंट आर डिवाइडेड इन टू टू साइड इज कॉल्ड साइड एंड शॉर्ट में डी आर बोलते हैं और क्रेडिट इज रिटर्न एज सी आर उसको क्रेडिट को सी आर बोलते हैं ठीक है जी ओके okay, स्टूडेंट्स तो चलिए इसकी आगे एक्सप्लेनेशन में आपको करता हूँ ये जो अगला पोर्शन है ये देखिए अकाउंट इस फॉर्मेट से बनता है ये इसको टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं टी शेप अकाउंट जहां हम फुल फ्लैज इसका अकाउंट का फॉर्मेट ना बना के टी शेप अकाउंट शेप अकाउंट बोलते हैं इसको उसमें सिर्फ हम ये डेबिट साइड जो जो टू से स्टार्ट होती है और क्रेडिट साइड बाई से स्टार्ट होती है ठीक है जी और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच में क्या है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एन अकाउंट एक नेचर ऑफ अकाउंट की नेचर पर डिपेंड करता है फॉर दिस ऑल द अकाउंट्स आर क्लासीफाइड इनटू फाइव कैटेगरीज एसेट्स अकाउंट लाइबिलिटीज अकाउंट कैपिटल अकाउंट्स रेवन्यूज एंड इनकम अकाउंट्स, लॉसेज एंड एक्सपेंसिज अकाउंट और जो एसेट्स के अकाउंट होते हैं वो डेबिट अकाउंट्स होते हैं ठीक है जी जब एसेट इंक्रीज होती है ठीक है तो उसको डेबिट को इंक्रीज कर दिया जाता है और वाइस वर्षा डिक्रीज कर दिया जाता है जब कम होती है लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है और जब इंक्रीज़ होती है लाइबिलिटी तो वो क्रेडिट होती है ठीक है जी और जब डिक्रीज होती है लाइबिलिटी तब तो वो डिक्रीज होती है कैपिटल अकाउंट भी इसी की तरह क्रेडिट बैलेंस होता है और कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है कैपिटल का और डिक्रीज होने से डेबिट बैलेंस बढ़ता है रेवेन्यू भी क्रेडिट अकाउंट्स होते हैं ठीक है जी क्रेडिट होते अकाउंट्स होते हैं और रेवेन्यू इंक्रीज होने से वो क्रेडिट होते हैं वो अकाउंट्स और डिक्रीज होने से वो डेबिट होते हैं और जो लॉसेस और एक्सपेंसेस के अकाउंट हैं वो डेबिट अकाउंट्स होते हैं और एक्सपेंस के बढ़ने से वो डेबिट होगा और एक्सपेंस के कम होने से वो क्रेडिट होगा ठीक है स्टूडेंट्स ये हैं हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ मॉडर्न अप्रोच और आप जो अकाउंट में ट्रेडिशनल अप्रोच है वो डेबिट और क्रेडिट ये करते हैं हम ठीक है जी और जब आप आगे अकाउंटिंग करोगे आप इनमें दोनों तरह के अकाउंट्स को फॉलो करोगे ठीक है जी तो आते हैं दोबारा फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन में अकाउंटिंग इक्वेशन में जैसे कि आपको पता है मैं लास्ट में आपको एक बार फिर समझा देता हूँ कि ये है एसेट्स और ये लाइबिलिटीज ठीक है जी और ये आएगा प्लस कैपिटल कोई भी चीज़ के दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं जैसे कैश इन्वेस्टेड कैश इन्वेस्टेड कैसे आ जाएगा तो यहाँ पे कैश एसेट बन जाएगा और यहाँ लाइबिल कैपिटल हमारी क्या बन जाएगी लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी मान लो एक लाख रुपया वो कैश लाया है तो कैश एक लाख का यहाँ जमा हो जाएगा तो ये इक्वेशन टैली होगी ज़ीरो प्लस एक लाख इज इक्वल टू एक लाख बन गया ठीक है जी ओके okay, स्टूडेंट्स ठीक है उसी तरह मान लो उसने कोई दूसरी ट्रांजेक्शन की है गुड्स परचेज की गुड्स परचेज की ट्रांजेक्शन की है ठीक है जी तो यहाँ क्या होगा स्टॉक बढ़ जाएगा ठीक है मान लो पचास हाल का सामान खरीदा है और ये पचास हाल का यहाँ डबल हास कैश कम हो जाएगा इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन को पूरा करते हैं तो स्टूडेंट्स ये था अकाउंटिंग इक्वेशन का थ्रेडिकल पोर्शन ठीक है और इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये बहुत सिंपल और क्लियर पोर्शन है इसको जितना जल्दी आप लोगे समझ लोगे उतना अच्छा रहेगा आपको अकाउंटिंग के अगले चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करना खासकर प्रैक्टिकल चैप्टर्स को तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूं गुड लक